वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आर्ट बर्ड। आज मैं आपके लिए कुछ यूनिक लेके आई हूँ। आप आई अश्योर यू आप ये बनाने टाइम बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको ये क्रिएट करने में। प्लस ये जब आर्ट बन जाएगी तो आपको एक इनर हैप्पीनेस फील होगी, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा कि आपने इतनी ब्यूटीफुल चीज़ बनाई है। वो भी मटेरियल्स कितने लगेंगे, कुछ ही मटेरियल्स, जैसे कि एक ब्लैक पेन, एक राउंडर, एक पेंसिल, एक इरेजर और एक पेपर, दैट्स इट। सो गाइस, मैंने बनाया है एक बुद्धा का फेस, दैट इज इन अ फ्लावर, इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर। एंड ये कुछ ऐसी वैसी आर्ट नहीं है, ये शायद ही आपको कहीं पे मिलेगी। ये आप सीखने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये आर्ट बनाने दौरान आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होगा, बहुत ज़्यादा आपको काम फील होगा। अगर आप किसी बात को लेकर टेंशन में हैं या तो आपका माइंड डिस्टर्ब्ड है, और अगर आपने ये आर्ट बनाने स्टार्ट की तो आई अश्योर यू आपको बनाने दौरान ही एक चेंज महसूस होगी। आप बन जाएगा तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस होगी। सो आइए गाइस, लेट्स स्टार्ट विद दिस ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ बुद्धा। तो मटेरियल्स हमको लगेंगे एक पेपर, एक पेंसिल, एक ब्लैक पेन और एक राउंडर। सो सबसे पहले हम राउंडर से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक सेंटर मार्क कीजिए और एक अच्छे से सर्कल बना दीजिए। लाइट ड्रॉ करना क्योंकि बाद में हमको ये इरेज कर देना है। उसके बाद हम सेंटर में बुद्धा का फेस बनाएंगे। तो बुद्धा का फेस बनाने के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ बुद्धा जी के हेड से। हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, थोड़े से राउंड राउंड सर्कल सर्कल हमको बनाने हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बुद्धा के फेस में जब जो हेड का पार्ट होता है उसमें कुछ डिज़ाइन होती है, सर्कुलर डिज़ाइन होती है, जो हेयर का पार्ट है, राइट। तो हम इसको थोड़ा सर्कुलर लाइंस क्रिएट करेंगे। उसके बाद दोनों ईयर्स बना देंगे। और ये हमारा बेसिक आउटलाइन तैयार है। उसके बाद हम अंदर जो भी डिटेल्स है वो बना देंगे। हमने अक्सर देखा है कि बुद्धा के फेस में जो हेयर वाला पार्ट है उसमें सर्कुलर डिज़ाइन होती है, तो हम सर्कुलर डिज़ाइन बना के एक उसका कंप्लीट कर देंगे आउटलाइन। उसके बाद आईब्रोस और नोज के लिए एक कंटिन्यूस लाइन ड्रॉ करेंगे। आईज बनाएंगे, क्लोज्ड आईज। और छोटा सा तिलक। एंड देन नोज को कंप्लीट कर देना है। लिप्स बनाएंगे। अब जो हेयर में हमको फिलिंग करना है उसमें सर्कल सर्कल डाल के हम फिलिंग कर देंगे। अगर ये सर्कल वाला पार्ट बनाने टाइम आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, कोई सर्कल स्मॉल हो जाता है, कोई लार्ज हो जाता है,
कुछ लाइन इधर उधर हो जाती है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ बन जाने के बाद वो छोटी मोटी मिस्टेक्स दिखती नहीं है। और इसी के साथ हमारा बुद्धा फेस बनके तैयार है। अब हम क्या करेंगे? अब हम फ्लावर के लिए पेटल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले बुद्धा के फेस के सेंटर से ना हम एक पेटल ड्रॉ करेंगे, ठीक है? अब ये एक पेटल ड्रॉ होने के बाद, अच्छा ये क्या हुआ, सेकंड जो लाइन मैंने ड्रॉ की वो पेटल फोल्ड किया हुआ है, ठीक है? अच्छा, एक पेटल हो जाने के बाद दूसरा पेटल थोड़ी गैप में बनाएंगे और उन दोनों पेटल्स के बीच में एक तीसरा पेटल आएगा। अब हर पेटल के बीच में छोटा सा एक पीछे पेटल बनाएंगे। जो पीछे छुपे हुए पेटल्स हैं वो छोटे दिखेंगे और ये प्रोसीजर रिपीट करना है। दो पेटल्स के बीच में एक पेटल आएगा। जब हम फ्लावर देखते हैं तो उनके कुछ पेटल्स फोल्डेड रहते हैं, राइट? तो हम डबल लाइन इसीलिए बना रहे हैं ये डेपिक करने के लिए कि वो फ्लावर का पेटल फोल्ड किया हुआ है। अच्छा, ये फ्लावर देख के आपको अभी तक अंदाज़ा लग गया होगा कि हम एक सनफ्लावर बना रहे हैं। फ्लावर बनाते टाइम इतना ध्यान देना कि कोई भी पेटल सिमिलर हो ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज नेचर की जो भी चीज़ होती है उसमें सिमिट्री नहीं होती। वो जितना नेचुरल और असिमिट्रिकल हो उतना अच्छा। तो पेटल सेम नहीं है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। ओके, तो हमारा फ्लावर का आउटलाइन बनके तैयार हो गया इसके साथ। अब हम क्या करेंगे? अब जो भी पेटल्स हमने पेंसिल से बनाए हैं उनको हम ब्लैक आउटलाइन से फिल कर देंगे। मैंने ब्लैक माइक्रोन पेन यूज़ की है, लेकिन आप चाहो तो कोई भी ब्लैक जेल पेन यूज़ कर सकते हो। अब क्या करना है? पेंसिल की जो भी लाइंस हमको थोड़ी थोड़ी विजिबल है वो हमको इरेज कर देनी है, सो दैट हम नेक्स्ट जो पार्ट है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो अच्छे से कर पाएं। ओके, तो हमको कुछ इस तरह से ड्राइंग दिख रही है, ठीक है? अब हमको क्या करना है, अंदर लाइन आर्ट बनानी है, राइट? तो पेटल के अंदर हम लाइंस बनाएंगे, पेटल की शेप में ही लाइंस बनाएंगे, लेकिन इतना ध्यान देना कि हर एक लाइन एक दूसरे से बहुत क्लोज हो और एंड में जाके वो दूसरी लाइन से मिल जाए, ठीक है? देखिए कुछ इस तरह से जो एंड हो रही है वो टच होना चाहिए। और एक बार देखेंगे, पेटल की शेप में ही लाइंस ड्रॉ होंगी, लेकिन जब लाइन खत्म हो रही है वो दूसरी लाइन से उसको टच होना बहुत ज़रूरी है, तभी ही हम ऐसा लुक क्रिएट कर पाएंगे। एक और बार देखेंगे, एकदम नज़दीक होना चाहिए। हो सकता है ये आर्ट बनाने टाइम आपका हाथ शुरू में थोड़ा सा शेक हो, थोड़ा शिवर हो, कोई बात नहीं, होने दो। एक बार आपका फ्लो बैठ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब जो फोल्ड्स है ना, वो फोल्ड को क्लियरली दिखाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, पॉइंट्स बना रही हूँ, ठीक है? इसको पॉइंट आर्ट भी कहते हैं। तो नज़दीक नज़दीक डॉट्स हम क्रिएट करेंगे और जैसे ही थोड़ा स्पेस आगे बढ़ता है डॉट्स के बीच में गैप बढ़ा देंगे। एजेस में हमको डॉट्स थोड़ा क्लोजली बनाना है, देखिए कुछ इस तरह से। एजेस में डॉट्स को नज़दीक होना है और फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा गैप बढ़ा देंगे। ओके,
आपको स्लोली करना है, ये मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि पूरा ड्राइंग दिखाने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा वीडियो, राइट? आपको आराम से करना है और आपको फील करना है, द जॉय दैट यू फील इज इम्पॉर्टेंट. अब पूरी ड्राइंग बन जाने के बाद क्या करना है, बुद्धा के फेस को फ्लावर से थोड़ा सा अलग होके दिखाना है. तो हम क्या करेंगे, हम शैडो बनाएंगे. शैडो कैसे बनता है देखिए, पेंसिल लेनी है, मैंने 8B की पेंसिल ली है और बुद्धा के आउटलाइन के बाहर से पेंसिल से एक थोड़ा सा शेडिंग कर देना है, सो दैट ऐसा लगे कि वो थोड़ा बाहर उठ के खड़े हैं. अब आईज के अंदर थोड़ी डिटेल करेंगे सो दैट वो 2D ना लगे, राइट, फ्लैट ना लगे. ये डिटेल्स देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी आर्ट जो है वो फीकी लगेगी. ओके, सो ये हमारी आर्ट बनके तैयार है. गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल द आर्ट बर्ड एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम द आर्ट बर्ड. थैंक यू.